जाओ। सलाम अलैकुम मम्मी। क्या वालेकुम अस्सलाम। क्या अमीब, आपने साइमा को खाला जान के भिजवाया था? अरे क्यों, क्या हुआ? अम्मी, आपने उसको किन चक्रों में लगा दिया है? वो वैसी इतनी बेवकूफ और जज्बाती है, और पागल हो जाएगी। अरे क्या पागल हो जाएगी, उसने खुद मुझे कहा था कि डॉक्टर ने कह दिया है सब कुछ ठीक है, और ना ही डॉक्टर ने उसे कोई दवा दी है, और ये कहा है कि बस दुआ करें। तो मैंने मशवरा दे दिया कि ठीक है, तुम हाजन बी के पास जाओ और जाके दुआ करा लो। अम्मी, औलाद होनी होगी तो हो जाएगी, ये जादू टोना और तावीजों से तो नहीं होगी ना? खबरदार मोहसिन, जो तुमने गुस्ताखी की। अरे हाजन बी कोई जादू टोना नहीं करती हैं, उनके पास तो सच्चा रूहानी इलाज है, और वो देती क्या है, बस नमाज की पाबंदी की तलकीन करती हैं और कुछ वसाए। अब देखो ना, इतने साल गुजर गए हैं बगैर बच्चे के, पता नहीं अल्लाह जाने और कितने साल गुजरेंगे। हमें वही एक बात, आप लोगों ने हमें ताने दे दे के एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन सारी बातों से बहुत तकलीफ होती है, दिल दुखता है। औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है ना, तो इंसान की क्या औकात। चलता कमबख्त, बंद कर इसे, जब देखो मोबाइल आंखों पे लगा के रखती है, अंधी हो जाएगी। और बहुत रात हो गई है, चल के बिस्तर कर, चल। ओए बात सुनो अम्मा, ये इधर उधर का गुस्सा ना मेरे ऊपर मत निकाला करो, तफ्तीश करनी है जाके अपनी लाडली बहू से कर लो। अच्छा खासा मैं अपने शहजाद जी को मैसेज करी, डिस्टर्ब कर दिया।